प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में राजनीति चरम पर है। आपको बता दें कि बीजेपी राज्य मंत्री पुत्र को कांग्रेस ने पद का प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद राज्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया के कहने पर उन्होंने अपने पुत्र की कांग्रेस से पार्षद की पद दावेदारी खत्म कर दी और कांग्रेस पर अपने पुत्र को बरगलाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी। जिस दिन सिंधिया महाराज ने कांग्रेस को छोड़ा और भाजपा में सिंधिया जी गए, तो हम जैसे लोगों ने अपने पद को ठुकरा दिया था। विधायक को ये तो पार्षद का पद है, इन्होंने गुमराह करके हमारे बेटे को सरमंत सिंधिया जी के चहेते, आप सब लोग जानते हो कि पौरी में भी सिंधिया जी किसी को चाहते थे तो वो जमील अंसारी जी को चाहते। कांग्रेस ने चाल चला और हमारे बेटे को गुमराह किया और हमारे बेटे के नाम टिकट फाइनल कर दिया।